हाँ जीशान, कैसे हो? इधर हाँ, तेज बोलो, तेज। अच्छा, अच्छे हो? तो कैसे चल रहा है आपका काम? काम अच्छा चल रहा है। तो थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि यहाँ पे शोर हो रहा है ना। लोग जानना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे भी डिलीवरी का काम है 2023 में, यानी दिसंबर का महीना है, काम कैसे चल रहा है इधर, ये बताओ। तो काम अच्छा नहीं है। काम अच्छा नहीं है? हाँ, तो पहले के बताबे कभी कितनी डिफरेंस है, कितनी डिफरेंस चल रहा है? आधा हो गया काम। आधा हो गया। तो कितनी अर्निंग हो जाती है महीने में? महीने में 1700 हो जाती है। 1700 हो जाती है। और पहले कितनी अर्निंग होती थी? 2000 प्लस, यानी 2500, बिटवीन 3000 अर्निंग हो जाती थी डिलीवरी में। नहीं, 22000 से 22000। अच्छा, ये आप क्या सोचते हो कि ये जो है ये काम क्यों स्लो हुआ है डिलीवरी का? क्योंकि अभी क्रिसमस चल रहा है, वेस्ट फेस्टिवल आया है, इसलिए फेस्टिवल के हिसाब से लोग जो है घर में खाना पकाना प्रेफर करते हैं। घर में खाना पकाना प्रेफर करते हैं। नहीं, लोग ड्राइवर हैं वो ज़्यादा हो गए या क्या सीन है? अभी पहले लोग डिलीवरी का काम नहीं कर रहे थे ना, अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना। वो भी एक रीज़न है कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो गए। ड्राइवर ज़्यादा हो गए। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि लोगों को, जो नए आने वाले दो लोग हैं, उनको आने माइंड में क्या रखना चाहिए, क्या मान के आना चाहिए कि वो उसका जो लाइफ है वो कैसे सरवाइव करेंगे जर्मनी में? मैं ऐसा कहूँगा कि जो भी जॉब मिल जाए स्टार्टिंग में, वो जॉब ले ले, रेस्टोरेंट्स में है। हाँ? या फिर अमेजोन भी अभी ओपनिंग चालू करा है। हाँ? तो अमेजोन में अप्लाई करे, जहाँ भी जॉब मिल जाए वहाँ पे ले ले। उसके बाद में फिर जैसा इंसान को जैसा सहूलत हो, हाँ, उसके मूड के हिसाब से, और बाद में अपना सेटअप बन जाता है। अच्छा, ये बताओ कि महीने का रेंट मिला के खाने पीने का खर्चा, ये सारा इंश्योरेंस मिला के कितना खर्चा हो जाता है? अभी इंश्योरेंस तो एज वालों पे 25 से अंडर एज है, तो इंश्योरेंस 110-140 कुछ है। हाँ? और अगर 30 प्लस है तो फिर इंश्योरेंस 210-220 हो जाता है। अच्छा, तो डिपेंड करता है। और खाने पीने का भी डिपेंड करता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा, तो उसका भी 200-150 ऐसा पकड़ के चलो। हाँ, और रेंट भी 350 पकड़ के चलो। 350-220 इंश्योरेंस, ये 570 हो गए। आपका बाइक का रेंट कितना है? बाइक का 120, तो तकरीबन ये 600-700 हो गए। ठीक है, खाने पीने का कितना खर्चा आ जाता है? खाना पीना 200, यानी 900 आपका खर्चा आ जाता है। और आप 1700 कमा रहे हो, 1700 में 900 चला गया तो हार्डली 800 यूरो बच जाता है। हाँ, 800 यूरो में तो फीस कवर नहीं होगी ना प्राइवेट वालों की? नहीं हो सकती ना। तो मतलब ये कि इंस्टॉलमेंट करा सकते हो, बहुत सी यूनिवर्सिटी जो इंस्टॉलमेंट में, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट्स कराती है। अच्छा, मंथली 200-300 जो भी है आपकी। अच्छा, तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मौजूद है। हाँ, तो कैसे लगा जर्मनी में आके, आपके एक्सपीरियंस कैसे रहा है? अच्छा ही एक्सपीरियंस है। अगर हार्ड वर्किंग अगर पर्सन हो तो फिर वो यहाँ पे कर सकता है अपना जो है, लेकिन लैंग्वेज का जो है यहाँ पे बड़ा बैरियर है। लैंग्वेज का ना? अच्छा, कोई भी जॉब के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है इसके लिए। हाँ, आप अगर और जॉब छोड़ के अगर कोई ऑफिस जॉब अगर ढूंढोगे, वहाँ पे हर जगह आपको लैंग्वेज की ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, सेटलमेंट का क्या सिस्टम है कि सेटलमेंट अगर लैंग्वेज सीख ली, आपने डिग्री कर ली तो सेटलमेंट? उसके लिए भी लैंग्वेज चाहिए। अगर आप जैसे मतलब लैंग्वेज कर ली और आपने डिग्री कर ली तो 2 साल में पीआर मिल जाती है ना? दो साल में पीआर मिल जाती है, जैसे इंग्लैंड में 5 साल के बाद मिलती है अगर आप 5 साल काम करोगे ना। हाँ, तो इंग्लैंड के बनिस्बत जर्मनी आसान है। हाँ, मगर सब जबान सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, तो ये था मेरे ये जो है जीशान। हाँ, इंडिया, आप कहाँ इंडिया में से? इंडिया से हो ना? इंडिया से हो। तो ये मेरा दोस्त है जीशान, ये इंडिया से है। तो इसने आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया और आप लोगों ने रास्ते में जर्मनी को भी एक्सप्लोर किया, इनकी गलियाँ एक्सप्लोर की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और एंड तक देखा होगा। मिलते हैं नए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।